दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं पावर डायरेक्टर के ट्यूटोरियल के पार्ट टू बनाने वाला हूँ। मैं आपको वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कुछ इंपोर्ट करना सिखाऊंगा, लेयर्स ऐड करना सिखाऊंगा। बस इतना ही आज के वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बिना कोई देरी के। तो मैं सबसे पहले पावर डायरेक्टर ओपन कर देता हूँ। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियोज के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते ही बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियोज आ जाते हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है उसे आप देखने के बाद इस वीडियो को देखें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं सिंपली स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एस्पेक्ट रेशियो चुन चुका हूँ और जो है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया है। और यहाँ पर आप फोटो वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो कि शटर स्टॉक्स और पिक्साबे की तरफ से फ्री स्टॉक वीडियोस मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, मैं यूट्यूब कीवर्ड सर्च करूँगा तो देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ भी मिल सकता है आपको YouTube के रिलेटेड। आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके जो डाउनलोड वाला बटन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं चाहिए स्टॉक वीडियो, मैं एक फोल्डर में रखा था एक वीडियो, आप पर्टिकुलरली रख सकते हैं कोई भी वीडियो। मैं उसके ऊपर जस्ट फोल्डर के ऊपर जाऊँगा और उस वीडियो के ऊपर टैप करूँगा तो मुझे दो आइकन्स मिलेंगे, एक है प्ले और एक है प्लस बटन में। आप उसको चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू करके वही या नहीं आप उसे डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसा ही है जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो आप उसे प्ले करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जस्ट उसके ऊपर टैप करके जो प्लस वाला आइकन है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो है टाइमलाइन के ऊपर आ चुका है। तो अगर आपको फ़ोटो इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर फोटो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टॉक फोटोज भी मिल जाएंगे शटर स्टॉक की तरफ से, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे मिलेंगी। मैं सिंपली एक और बार यूट्यूब सर्च कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फ्री स्टॉक इमेजेस मिल रहे हैं। आपको कलर्स भी मिलेंगे ताकि आप यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव से या फिर कहीं से भी आप इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए फोटोज़ और मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं ये जो है आ चुका है टाइमलाइन के ऊपर और ये एक लेयर बन चुका है। अब मैं फ़ोटो को अब इंपोर्ट करना दिखाऊंगा, ताकि एक ही सेटिंग्स में करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाले, दो सेटिंग्स में हम दिखाने वाले हैं। मतलब आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, इसके ऊपर टैप करके जो प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करते ही जो फोटो है वो आ चुका है। अगर ये जो है मेन लेयर है, अब मैं सब लेयर डालना सिखाऊंगा तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ पर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। और मैं अब बस वीडियो फोटो दिखाऊंगा, वीडियो आप कोई सा भी वीडियो डाल सकते हैं। मैं फिर से यही वाले वीडियो को, यही वाले नहीं जो ग्रीन स्क्रीन का था कुछ सेव करके रखा था, इस वीडियो को डालूंगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो को डालने से ये जो एक लेयर बन चुका है। अगर आपको और भी डालने हैं तो आप देख सकते हैं ऐसे ही डाल के जा सकते हैं इस सेटिंग्स पर। तो देख सकते हैं ऐसे आप डाल सकते हैं बहुत सारे वीडियोस। और आपको फोटोस डालना है तो आप फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, कोई सा भी स्टॉक फोटो, में फिर से कोई बैकग्राउंड डालूंगा। अब देख सकते हैं फोटो ऐड हो चुका है। एक और बार आप यही फोटो को डाल सकते हैं, ये होता है फोटो और वीडियो को, और होने के बाद ये जो प्ले वाला आइकन है उसे आप क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं फोटो आ चुका है पर साइज मैच नहीं हो रहा है। आप देख सकते साइज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। आपको ये जानने के लिए मेरा अगले वीडियो तक आप बने रहिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप देख रहे कंटेंट तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब आपको अगले वीडियोस पे आपको देख लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। अब देख सकते हैं इसका साइज एडजस्ट करना मैं मतलब फ्यूचर के वीडियोज़ में दिखाऊँगा। और सब कुछ आप देख सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। अभी मैं आपको म्यूज़िक ऐड करना सिखाऊंगा, मतलब म्यूज़िक ऐड करने के लिए सिंपली वही बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर म्यूज़िक है। आप फ्री में स्टॉक म्यूज़िक चाहिए तो स्टॉक म्यूज़िक मिल जाएगा, और आपको साउंड इफेक्ट चाहिए मतलब रेन का, एनिमल्स का, सब कुछ साउंड इफेक्ट भी मिल सकता है आपको फ्री में। और आपको मैं डाउनलोड करके रखा था एक गाना, मतलब मैं इसको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करते ही वो जो है ऐड हो चुका है। इधर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं नीचे ऐड हो चुका है एक लेयर बनके।
और अगर आपको इसका ट्रिम करना है तो उसके अगले अगले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तब तक आप बने रहिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख सकते हैं ये हो गया ऐड, मतलब एडजस्ट करना, ट्रिम करना। अभी तो इसमें क्रोमा की का भी इफेक्ट डालना है। आप देख सकते हैं ये जो क्रोमा की का इफेक्ट भी मैं सिखाने वाला हूँ अगले वीडियोस में। तो आप तब तक बने रहे, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।